बीते कुछ बरसों में बॉलीवुड की हालत थोड़ी पतली हो गई है, लेकिन बॉलीवुड में सामाजिक मुद्दों पर कई सारी बेहतरीन फिल्म बनाई गई है। प्रीति चिंटा की फिल्म क्या कहने में टीन एजर की प्रेगनेंसी के बारे में दिखाया गया है। इस फिल्म में टीन एजर के रोमांस, मानसिक स्थिति और सामाजिक रवैये को दिखाया गया है। फिल्म मातृभूमि साल 2003 में रिलीज हुई। इस फिल्म में लगातार घट रही लड़कियों की जनसंख्या और बढ़ते अपराध को दिखाया गया है। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा खुले में शौच करने की बेकार रीति पर आधारित है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि खुले में शौच करने से कई तरह की बीमारियां होती है, साथ में शौचालय बनाना बहुत जरूरी है। फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान समलैंगिक पे आधारित है। इस फिल्म में समलैंगिक लोगों को उनके परिवार वाले किस तरह से अपमान और तिरस्कार करते हैं ये दिखाया गया है। फिल्म हिंदी मीडियम में हिंदी के महत्व को दिखाया गया है और यह भी दिखाया गया है कि किस तरह से लोग हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी मीडियम की ओर बढ़ रहे हैं। फिल्म के लीड रोल में आपको इरफान खान नजर आएंगे। फिल्म हेलमेट सुरक्षित इंटरकोर्स यानी कि सेक्स के लिए लोगों को कंडोम खरीदने के लिए जागरूक करने वाली फिल्म। अगली फिल्म मिमी। इस फिल्म में सेरोगेसी, रंग भेदभाव, जाति और गर्भपात जैसे मुद्दों को उठाया गया है। फिल्म में कृति सेनन ने मुख्य भूमिका निभाई है। बधाई हो, फिल्म बधाई हो फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस फिल्म में परिवार को हमेशा साथ रहने की सीख दी गई है। बाला आयुष्मान खुराना, यामी गौतम और भूमि पेडनेकर। फिल्म में एक लड़की की कहानी दिखाई गई, इसके बाल झड़ रहे होते हैं। फिल्म की स्टोरी बहुत तगड़ी है, साथ में कॉमेडी का तड़का भी है। विक्की डोनर आयुष्मान खुराना की ये फिल्म विक्की डोनर कॉमेडी के साथ साथ सीख भी देती है। मजामा LGBT के थीम पे बनी फिल्म मजामा में माधुरी दीक्षित मेन किरदार। फिल्म बहुत अच्छी है, देख सकते। फिल्म गुड न्यूज, गुड न्यूज में अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, करीना कपूर और दिलजीत सिंह मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म समाज को आईना दिखाती है। इन सारे फिल्मों में आपने कौन कौन सी फिल्म देखी है और इन सारी फिल्मों में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है ये कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।